दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग छोटे मोटे झूले झूलना ही पसंद करते हैं, लेकिन आपको कई बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े राइड्स देखने को मिलेंगे जिनको लेने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग इनका मजा लेते हैं। अगर आप इन चीजों के आदी नहीं हैं, तो इन्हें कभी ट्राई करने की कोशिश मत करना। ये चेतावनी इन राइड्स के लिए एकदम फिट बैठती है। तो दोस्तों आज हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक राइड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें बैठकर आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप किसी गगनचुंबी इमारत से नीचे गिर रहे हैं। दूर से ये देखने में राइड्स शायद आपको बेहद लुभावनी लगेंगी, लेकिन ये भी सच है कि इन राइड्स को लेने वालों की जान हलक में आकर अटक जाती है। तो दोस्तों वीडियो काफी शानदार है, बस हर बार की तरह आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज 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 वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वाटर सर्फिंग का दुनिया भर में काफी क्रेज है, लाखों लोग वाटर सर्फिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन आपने शायद ही कभी वॉल्केनिक सर्फिंग जैसा कुछ सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वॉल्केनिक सर्फिंग दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर किया जाता है। वॉल्केनिक सर्फिंग की बात करें तो इसके लिए निकारागुआ दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेमस है। निकारागुआ दुनिया भर में अपने वॉल्केनिक माउंटेन्स के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ वॉल्केनिक सर्फिंग के लिए आते हैं। यहाँ लोग खुद से अपना एक कस्टम बोर्ड लाते हैं जिसके बाद वे 2000 फीट पहाड़ पर चढ़ते हैं और अपने बोर्ड पर सर्फिंग करते हुए नीचे आते हैं। इस सर्फिंग के दौरान नीचे आते वक्त उनकी स्पीड करीब 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है। और दोस्तों इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर एक बार आपने सर्फिंग स्टार्ट कर दी तो आप फिर नीचे आकर ही रुकेंगे, और अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो फिर ये आपकी जान पर भी हावी हो सकती है। नंबर टू, दोस्तों जिन लोगों को ऊंचाई का डर नहीं होता वे लोग बंजी जंपिंग करना पसंद करते हैं। हर साल लाखों लोग बंजी जंपिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग थीम पार्क्स में जाते हैं। वैसे अगर बंजी जंपिंग के लिए सबसे मजेदार या कहें खतरनाक स्पॉट की बात की जाए तो वो लास वेगास है, जहां एक होटल में 108 फ्लोर्स हैं। अगर आपको बंजी जंपिंग पसंद है तो फिर ये आपके लिए बेस्ट है। यहां आप हार्नेस के साथ जंप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहां सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी 108 फ्लोर से जंप करना, वो भी केवल एक हार्नेस के सहारे, किसी कमजोर दिल वाले का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आमतौर पर हमारे आसपास जो पार्क्स मौजूद होते हैं उनमें जिस तरह की राइड्स होती हैं, उन पर एक छोटा बच्चा भी आसानी से राइड कर सकता है। लेकिन दोस्तों देश दुनिया में कई ऐसी राइड्स भी मौजूद हैं जहां राइड करने के लिए आप में जिंदा जिगरा होना बहुत जरूरी है। कुछ पार्क्स में इस तरह की राइड्स होती हैं जिनमें हर कोई राइड नहीं कर सकता। उनमें से ही एक है उत्तरी कोरिया का एक पार्क जिसमें मौजूद है 360 डिग्री रोलर कोस्टर। दोस्तों ये रोलर कोस्टर बहुत ही तेजी से घूमने के साथ साथ 360 डिग्री राउंड भी करता है, और तो और अचानक से ये उल्टा भी हो जाता है। आज भले ही ये दुनिया भर में काफी फेमस हो, लेकिन इसमें बैठने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। नंबर थ्री, दोस्तों आपने कई तरह के मैरी गो राउंड्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा मैरी गो राउंड या कहें रोलर कोस्टर देखा है जिसमें आपकी कार को 360 डिग्री घुमाया जाए? दोस्तों आपने शायद अब तक ऐसा किसी मूवी या फिर सर्कस में ही देखा होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें लंदन में एक कंपनी ऐसी ही एक राइड बनाने की टेस्टिंग कर रही है जिसमें बैठकर आपको ये गाड़ी 360 डिग्री राइड का मजा देगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है और वक्त ही बताएगा कि ये कितनी मजेदार और थ्रिलर से भरी होगी। बाकी फिलहाल इसका बेस मॉडल तो काफी शानदार नजर आ रहा है। नंबर फोर, दोस्तों आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड की कई मूवीज में हीरोज को ऐसा स्टंट करते हुए देखा होगा जिसमें वो बाइक से जंप लगाकर खाई को पार करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। खाई को इस तरह से पार करना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है, और शायद इसी वजह से ये राइड बनाई गई है। इस राइड में आप एक बाइक को खुद ब्रिज पर से चलाकर तेजी से वहां से उछाल देते हैं। नीचे गहरी खाई होती है, लेकिन बाइक से हार्नेस बंधी होती है जिसे स्टंट करते हुए आपको कोई खतरा भी नहीं होता, और आपको फिल्मी हीरो वाली फीलिंग्स भी आ जाती हैं। नंबर फाइव, दोस्तों साइकिल या फिर बाइक से हवा में स्टंट करते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा। बाइक राइडर्स कई सेकेंड्स तक अपनी बाइक को हवा में घुमा देते हैं, लेकिन दोस्तों कैसा हो कि अगर आपको हवा में ही राइडिंग करने को मिले? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में एक ऐसी राइड डिजाइन की गई है जिसमें आप एक जिप लाइन के ऊपर साइकिल चलाते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जा सकते हैं। ये साइकिल हार्नेस से अच्छी तरह बंधी होती है, इसके साथ ही राइडर्स को भी सेफ्टी के लिए हार्नेस के साथ बांध दिया जाता है। अगर दोस्तों आपको हवा में साइकिलिंग का मजा लेना है तो ये राइड आपके लिए ही है, लेकिन हाँ एक मजबूत कलेजा आप अपने साथ लेकर ही राइड करना, क्योंकि गलती से भी अगर हार्नेस में कुछ गड़बड़ी हुई तो इसके नतीजे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। नंबर सिक्स,
दोस्तों, ऑस्ट्रिया दुनिया में अपने सिनेरियो के लिए जाना जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है। यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए कई सारे पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी खूबसूरती के बीच ऑस्ट्रिया में ही एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहाँ जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। इसलिए वहाँ एक केबल की सीढ़ी बनाई गई है जिसे लैडर टू हेवन भी कहा जाता है। दोस्तों, भले ही इस पहाड़ पर जाने के लिए ये लैडर बना दी गई हो, लेकिन इस लैडर के थ्रू भी पहाड़ के पॉइंट तक जाना बिल्कुल आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें, ये लैडर सीधे 2000 फीट की ऊंचाई तक है और करीब 150 फीट लंबी है, जिसे केवल मजबूत दिल वाले ही पार कर सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों झूला झूलना किसे नहीं पसंद होता? बड़े हों या छोटे, सबको झूला झूलना पसंद होता है। आज भी जब हम किसी पार्क में जाते हैं और झूला झूलते हैं तो जरूर एक बार तो उसकी राइड करते ही हैं। दोस्तों, आपके इसी मजे को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका के एक स्टेडियम में ऐसा ही झूला बनाया गया है। इस स्टेडियम के स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके सेंटर में ठीक ऊपर ये झूला लगाया गया है जहां आप एलिवेटर से जा सकते हैं। इस झूले में बैठने के बाद आपको 80 मीटर की ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है और जब आप नीचे आते हैं तो आपकी स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। आज दुनिया भर में स्टेडियम की पॉपुलैरिटी इस खतरनाक झूले की वजह से है, क्योंकि यहाँ लोग केवल मैच देखने के लिए ही नहीं बल्कि इस झूले का आनंद उठाने के लिए भी जाते हैं। नंबर 8, दोस्तों एम्यूजमेंट पार्क्स में कई सारी अलग अलग तरह की राइड्स होती हैं, जहाँ बच्चे से लेकर बड़े तक छोटी से लेकर बड़ी बड़ी राइड्स का मजा ले सकते हैं। इसी तरह अमेरिका के एक पार्क में ये फॉल्कन क्यूरी नाम की राइड है, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग राइड है। शुरुआत में ये राइड 100 मीटर की ऊंचाई तक स्लोली स्लोली ऊपर जाती है। धीरे धीरे लोग ऊंचाई पर जाते हुए काफी अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन तभी अचानक से इस राइड का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि अचानक से ये राइड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आती है और उसी दौरान ये सामने की तरफ 90 डिग्री का एंगल ले लेती है, जिसके बाद अच्छे अच्छे राइडर्स की भी धड़कनें भी तेज हो जाती होंगी। यकीन ना आए तो इन दो महिलाओं को ही देख लीजिए। नंबर 9, दोस्तों चाइना के कंस्ट्रक्शन से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बड़े बड़े ब्रिज बनाने के लिए चाइना दुनिया भर में जाना जाता है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत ग्लास का ब्रिज चाइना में ही मौजूद है। दोस्तों भले ही इस ब्रिज की मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया हो, लेकिन इसके ऊपर से चलने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। अभी जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो चाइना के चांगकिंग सिटी में बना है। वहीं दोस्तों, इस ग्लास ब्रिज के साथ एक लकड़ी का लैडर टाइप ब्रिज भी बनाया गया है, जिसके साइड में कोई रेलिंग भी नहीं है और इस ब्रिज के प्लैंक्स के बीच में काफी दूरी रखी गई है। हालांकि दोस्तों, इस पर चलने वाले को सेफ्टी के लिए हार्नेस से बांधा जाता है, लेकिन फिर भी कदम कदम पर यह किसी खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ब्रिज को कुछ साल पहले बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि एक आदमी को लगाया गया हार्नेस दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही निकल गया था। वो तो ये आदमी खुशकिस्मत था कि हार्नेस निकलने से पहले ही वो सेफली दूसरे एंड पर पहुंच गया था, वरना परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। और यही वजह है कि इस ब्रिज पर कुछ महीनों के लिए रोक भी लगा दी गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इन राइड्स के बारे में जानकर, और आपको इनमें से सबसे खतरनाक राइड्स कौन सी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।